अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर जैद अली खान इन शो जैद के। वेलकम टू माय YouTube चैनल 8Z का ऑफिशियल। आप लोग सोच रहे होंगे इतनी रात को घर के अंदर चश्मा लगाया हुआ है क्यों, तो अभी बताता हूँ क्यों। क्यों लगाया हूँ यहाँ रखा हुआ था इसलिए लगाया साहब। नहीं नहीं क्या करें, उतार लें ये लो, ये तो सही है। नहीं यार अब ये नहीं, आप बोलोगे कि ये यार चश्मा फिर लगा लिया यार। सुनो इसलिए लगाए क्या, यूट्यूबर हैं छोटे छोटे से अभी उग रहे हैं धीरे धीरे, तो अच्छे तो लगना चाहिए ना। अब लोग आके नए लोग आके जुड़ेंगे तो क्या देखेंगे, ऐसे टेढ़ा आड़ा घर में पड़ा हुआ रहता है, वीडियो बनाते रहता है कभी यूँ। आज नए सिरे से नई तरीके से बना रहा है इतने दिनों बाद, तो अच्छे तो लगना चाहिए ना यार। क्या कहते हो आप? नहीं आपके साइड आ रहा लो यार, ये भी उतार दिया। अब आप फेस टू फेस बात करनी है, थोड़ी ज़रूरी बात आपको बतानी है। मजाक सब कुछ साइड में रख के मत रखना, साइड में मत रखना। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मेन बात बताने से पहले माफ़ी चाहूँगा अपनी छाया भाभी से और हमारे लवली सिंह से। कौन ये वाले? नहीं अरे ये हमारे वाले यार, ये दूल्हा दुल्हन और अब मेन बात, सबसे छोटी बात छोटी से अल्फाजों में ख़त्म करना चाहूँगा और फरमाइएगा कि वीडियो देर इसलिए आई कि यार काम बहुत थे, मेरे को वीडियो शूट करने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि जो ये आप देख रहे हो ना ये चीज़ मुझे शूट कर रही थी, उस दिन मैं ये शूट नहीं कर पाया था। इस वजह से मेन बात यही थी कि शूट नहीं हो पा रहा था तो उसके वजह से एडिटिंग रुकी हुई थी, एडिटिंग नहीं हो पा रही थी तो ब्लॉग डल नहीं पा रहा था, चेन बनी हुई थी लंबी, इस वजह से बस काम रुका हुआ था। बट इंशाल्लाह आज अपन ये शूट कर रहे हैं और ये कल या परसों आपकी यूट्यूब की सड़कों पर आपको वीडियो मिल जाएगी। और अब ब्लॉग करते हैं स्टार्ट, वापस लेके चलते हूँ आपको पीछे और देखिए कि कैसे क्या हुआ था उस दिन। सो आज के सीन आपको पता चल ही गया होगा, आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा, मतलब टीटी में आपने देख ही लिया होगा कि कैसे क्या होने वाला है। इसी वजह से मैंने सुबह से आज का व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, करेक्ट 8 बज रहे हैं अभी। तो इनका सीन ये है कि अभी ये जो मेरे बालों पे आप जाइएगा नहीं, क्योंकि जब मैं तैयार होने जाता हूँ उससे पहले मैं पूरे बालें ख़राब कर लेता हूँ, कैसे कर लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर सही से तैयार होता हूँ। सो आज का सीन ये है, आपको मैं बता देता हूँ जब भी कि मेरे यार की आज है एंगेजमेंट सेरेमनी है, तो उसको अटेंड करने जाना है हमको, क्योंकि बहुत ख़ास दोस्त है। तो अच्छे से रेडी होगा पूरा फंक्शन की पार्टिकुलर एक वीडियो बना रहा हूँ, इसी वजह से मैंने सुबह से कोई सा भी व्लॉग नहीं बनाया, ये स्पेशल व्लॉग है। सीन ये था कि वैसे मुझे जाना था रेडी होने के बाद उसके घर, उसने कहा था कि घर से व्लॉग स्टार्ट करना क्योंकि सामने वाले की डिमांड थी, मगर घर से स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि कुछ सीन ऐसे हो गए हैं कि यूसुफ़ और मैं इनवाइट हैं उसके, तो यूसुफ भी अपनी फैमिली के साथ जाएगा उनको लेकर, तो मैं भी अपनी फैमिली को लेकर जाऊंगा, तो हम लोगों को ऐसे सीन नहीं मिल पाएगा कि हम लोग दोनों रेडी होकर उसके घर चले जाएं और वहां से लोगों के साथ जाएं। ज़्यादा बातें ना करते हुए व्लॉग के आगे बारे में बताता हूं आगे क्या होने वाला है। सीन सुबह का ये था कि मुझे शेव करवानी थी, सेक थोड़ा ख्याल लिए सही करवाने थे, तो सैलून गए, सीन वहाँ के थे ऐसे। सैलून से आने के बाद का सीन ये था, घर में बहुत सारे काम थे, हॉस्पिटल जाना आना बहुत लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि मेरी पप्पी एडमिट है, दिन भर वहीं निकल गया, तो अभी वेट टाइम हो गया आज जैसा मैंने आपको बताया था, अब जा रहे हैं तैयार होने और फिर मिलते हैं तैयार होने के बाद। जब तक फ्री मत बैठना कहा है मैंने, फ्री मत बैठना, लाइक कर दो, ठोक दो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, बाकी एंड में अगर आपको अच्छा लगे या कुछ कमी रही हो तो कमेंट कर देना और मुबारकबाद तो दे ही देना सामने वाले को, मिलते। 12 seconds later. So, अभी आया था यूसुफ चला गया, उससे कहा है कि कैसे क्या करना, पूरा हम लोग को प्लान हुआ है, अब देखते हैं कैसा क्या होता है आगे, अभी जा रहे हैं तैयार होने, फिर मिलते हैं तैयार होने की। We'll be right back.
और यूसुफ की फैमिली हमारे घर ही, हम लोग सब मिलके गए अपने लोकेशन पर। लोकेशन के पहुंचने के बाद ये सीन देख लो, फाइनली हम लोग तो आ गए। ये साइड में वाइट शूज में अपना है यूसुफ, इधर दिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर है दूल्हा राजा। खाना स्टार्ट हो गया, अर्शद हमको दिख ही नहीं रहा है। अब हम उसको कॉल लगा के पूछते हैं कि अर्शद है कहाँ पर। अर्शद ने कहा है हम हैं स्टेज पर, देखते दूल्हा साहब कहाँ पर। दूल्हा साहब के साथ नजारे आपको दिख गए होंगे, दूल्हा चमक रही है। अब दूल्हा के ले गए अपने अस्सलाम वालेकुम, खैरियत मुबारक हो, भाई साहब खैरियत वहाँ पर लेडीज़ों का खाना चल रहा है और यहाँ चल रहा है जेंट्स का। सो दूल्हे राजा अपने लवली सिंह के पास हम लोग पहुंचे, फिर उसके बाद हम लोग की थोड़ी गपशप हुई, क्योंकि दोस्त जब तीन दोस्त मिलते हैं तो क्या होता है समझ ही सकते हो। उसके बाद मैंने छोटा सा एक बी रोल शूट किया है, वो देख लो कैसा है। अर्शद का जो शूट होना था वो तो मैंने कर लिया, और लगा हम लोगों में पूरे पसीने में जमान भी फिसल रही क्योंकि खाना नहीं खाया। अब जा रहा है हम लोग हमारी पेट पूजा के लिए थोड़ी बहुत, अगर हो गया तो शायद अर्शद से खाएंगे वरना अभी पूरा हो जाएंगे फुल। तो मिलते हैं खाना खाने के बाद घर में। यूसुफ भाई क्या हाल है आपका गर्मी में? बहुत बुरा हाल है, देखो गीला हो रहा पसीने में, और इससे ज़्यादा मैं और मसले में अपने आपको नहीं दिखा रहा। तो खाने पीना खाने के बाद हम लोगों को जाना था दूल्हा दुल्हन के साथ बन के ढोल में, बट वहाँ पे इतनी सारी पब्लिक हो रही नहीं हो रही थी कि वैसे तो मैं सब फील होता हूँ, मेरे दोस्त भी सब था, बट वहाँ बहुत शर्म आ रही थी यार, सख्ती मख्ती सब बेकार गई। देख लो चलो चलो बहुत लेडीज हो रही है, देख ली। ये अर्शद हमारा आगे, ये अर्शद का शूट चल रहा है आगे, हमारा अर्शद भाई का शूट भी ख़त्म नहीं हो रहा कि हमें देख ही नहीं रहा, वो देख ले तो हम इनसे मिलने चले आए। आपने देखा ये सब होने के बाद फिर आई मेन घड़ी रिंग सेरेमनी का टाइम, कैसे क्या हुआ जल्दी से देख लो। दूल्हा दुल्हन से ज्यादा फोकस, थोड़ा सा खलल डाला मैंने आपकी वीडियो देखने में, आपको ये बताना था। इसके बाद जो आप देखेंगे हम अर्शद से पूछ रहे हैं कि एक पॉसिबल है, तो क्या पॉसिबल है वो बताता हूँ। हम उसे ये पूछ रहे थे कि नील डाउन होकर पहनाओगे, ये पॉसिबल है क्या, उसके रिएक्शन देख ही लेना। बट मानते हैं यार बड़े बड़े लोग थे भाई, दोनों के मम्मी पापा थे मौजूद वहाँ पे, तो शर्म आते हुए थोड़ा लिहाज रिस्पेक्ट वगैरह तो समझ सकते हैं। वीडियो एंजॉय करो, जल्दी से देखो। अरे अर्शद पॉसिबल है क्या,
हम बोलेंगे तो हो जाएगा, हाँ तो फिर हो जाएगा। ये भी परेशान हो रहा है बेचारा। फंक्शन हो गया है ख़त्म। मैं माइक को पास करके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका आवाज़ आएगी नहीं। एंड हो रहा है, उसके बाद ये लोग जाएंगे खाना खाने, हम लोग को नहीं करना है घर, उसके बाद जा रहे हैं इजाज़त लेने के लिए। A few inches later. तो ये हम लोग की रवानगी। हम 10-15 दिन के यहीं रुके हुए हैं, तो देख सकते हैं अब हमारी गाड़ी का धूल। 10-15 दिन के बाद आए ना भर ये धूल। ऐसे तो नहीं होता है। मैंने चलो बोल तो दिया, मगर फिर से एक बार अच्छे से बिदाई ले लेता हूँ। तो वीडियो को कहते हैं यहीं पे खत्म। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। और वीडियो इतने एंड तक आपने अगर देख ही लिए तो एक रिक्वेस्ट है भाई, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब तो कर ही दो यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। पर फिर लवली सिंह और हमारी छाया भाभी को इंगेजमेंट की बहुत 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 मुबारकबाद।